हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर का फैक्ट। में मनुष्य को बीमारियां होना आम बात है। बारिश का मौसम हो या ठंडी का मौसम या फिर गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो, इंसान बीमार तो होते ही है। ऐसा कौन हो सकता है जो धरती पे मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद मरने तक बीमार ना हुए हो। बीमार होने का बहुत सारे वजह हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया मौसम का बदलाव या फिर खाने पीने से भी हो सकता है। तभी तो हमें डॉक्टर या फिर बूढ़े बुजुर्गों ने खाने पीने का सही सलाह देते रहते हैं, फिर भी हम लोग उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं। इसी वजह से बीमारी से और बीमार होते रहते हैं। बीमार ज़्यादातर हम बासी खाने से भी होता है। वैसे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश खाने खाने ही पसंद करते हैं, तो चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी। सड़ा हुआ मांस भी कोई खा सकता है क्या? सड़ा हुआ सुनते ही हम इंसानों को उल्टी आने लगता है, वैसे में खाने का तो दूर सोच भी नहीं सकते। मगर दुनिया में ऐसा भी बहुत सारे जीव जंतु प्राणी पक्षी भी है जो सड़ा हुआ मांस और फल भी खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी में से एक ऐसे पक्षी भी है, उसे ताज़ा भोजन से ज़्यादा सड़ा हुआ भोजन खाना ही ज़्यादा पसंद करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं वो कौन सी पक्षी है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे ही रोचक भरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। वो पक्षी गिद्ध है। गिद्ध एक विशाल मांसाहारी पक्षी है जो अपनी मूर्धकोर और गंदगी खाने में प्रकृति के लिए जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के बनाए रखने के लिए इस पक्षी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि गंदगी खाकर ये कई प्रकार की बीमारियों को प्रसार होने से रोकता है। गिद्ध की प्रजातियां दो समूहों में विभाजित है, नई दुनिया की गिद्ध और पुरानी दुनिया की गिद्ध। नई दुनिया की गिद्ध अमेरिका और कैरिबियन में पाया जाता है, जबकि पुरानी दुनिया के गिद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। दुनिया भर में गिद्ध की 23 प्रजातियां हैं, जिसमें से 6 नई दुनिया की गिद्ध और 15 पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजातियां हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीपों पर कम से कम एक प्रजाति का गिद्ध अवश्य पाया जाता है। गिद्ध यानी कि वल्चर की जीवनकाल प्रजाति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ब्लैक वल्चर की जीवनकाल जहाँ लगभग 10 वर्ष होता है, वही किंग वल्चर का जीवनकाल लगभग 30 वर्ष होता है। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी प्रजाति रुपेस ग्रिफन वल्चर ने 1973 में आइवरी कोस्ट में सबसे ऊंची उड़ान 37,000 फीट की भरी थी। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 29,029 फीट से भी बहुत अधिक है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण अन्य पक्षी प्रथम मर जाते हैं। जब गिद्धों का समूह मरे हुए जानवर को एक साथ खा रहे हो, तो उस समूह को वेग कहते हैं। गिद्ध मांसाहारी होते हैं, वो ऐसे मृत पशुओं और सड़ा हुआ मांस खा सकते हैं जो अन्य जानवरों के लिए विषक हो सकता है। इस कारण गिद्ध का पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह मृत पशुओं को और सड़े हुए मांस को खाकर बीमारियों का प्रसार को रोकता है। ऐसा नहीं है कि गिद्ध सिर्फ सड़ा हुआ मांस ही खाते हैं, अखरोट, अंजीर, मछली और पक्षियों को भी खाते हैं। ये कीड़े और ताजा मांस भी खाते हैं। भोजन करते समय गिद्ध अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। आकार में बड़े और मजबूत चोंच वाले गिद्ध पहले भोजन करते हैं। छोटे गिद्ध बड़े और प्रमुख प्रजाति के गिद्ध द्वारा छोड़े गए भोजन का अवशेष को खाते हैं। गिद्ध की दृष्टि और गंधक क्षमता तेज होती है, इस कारण वो एक माइल या उससे भी अधिक दूरी से मृत जानवर खोज सकते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए शिकार खोजने के लिए वो अपनी तीव्र दृष्टि पर अधिक निर्भर होते हैं। इसकी विपरीत नई दुनिया के गिद्ध की सुनने की शक्ति तेज होती है। गिद्ध एक बार में अपने शरीर के वजन का 20% भोजन खा सकते हैं। गिद्ध के सिर और गर्दन पर पंख नहीं होते हैं, इस कारण जब वो मृत और सड़े हुए जानवर को खाते हैं, तो बैक्टीरिया और अन्य परजीवी उनके पंख घुसकर संक्रमण नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी वो ऐसे सामग्री खाकर भी स्वस्थ रह पाते हैं जिन्हें खाकर अन्य जानवर संक्रमित हो जाता है। गिद्ध को अक्सर दूसरे मांस खाने वाले जानवरों के साथ शिकार को खाते हुए देखा जाता है। इसका कारण गिद्ध के नाखून और कमजोर पैर होते हैं। यदि मृत जानवर का शरीर चीर कर पाटने के हिसाब से बहुत कठोर हो, तो दूसरे शिकारी जानवरों द्वारा उसे लाश को चीर जाने के इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। ये एक अच्छी बात है, गिद्ध स्वस्थ पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। गिद्ध यानी कि वल्चर अधिकांशतः मृत जानवरों को खाते हैं। जब भोजन दुर्लभ हो और आसपास कोई मरा हुआ जानवर उपलब्ध ना हो, तो सामान्यतः ये बीमार, घायल या दुर्लभ जीव को शिकार करते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध के पैर ज़्यादातर मजबूत होते हैं, लेकिन नई दुनिया के गिद्ध के पैर कमजोर होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और भारी गिद्ध दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला इंडियन कोंडर है। इसके पंख का विस्तार 10 से 11 फीट तक होता है। दुनिया का सबसे छोटा गिद्ध हुडेड वल्चर है। उपसहारा अफ्रीका में पाया जाने वाला ये गिद्ध कौवे के आकार का होते हैं। इसके पंख का विस्तार मात्र 5 फीट तक होता है। राजा गिद्ध यानी कि किंग वल्चर सबसे रंग बिरंगी गिद्ध होते हैं। उनके सिर और गर्दन का रंग लाल, पीला और नीला होता है। आंखों लाल रंग के छल्लों के बीच सफेद रंग की होती है। शरीर के ऊपर से बादामी और नीचे से सफेद होता है। गर्दन का किनारा स्लेटी रंग का होता है। उनका पंखों का फैलावा लगभग 2 मीटर होता है और शरीर लगभग 80 सेंटीमीटर यानी कि 31 इंच लंबा होता है। राजा गिद्ध किंग वल्चर दक्षिण मेक्सिको और अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। रुपेस ग्रिफन वल्चर सूर्योदय के लगभग 2 घंटे बाद उड़ान शुरू करते हैं और पूरे दिन ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए बिताते हैं। जब गिद्ध को डराया जाए, तो गिद्ध अपने शरीर को वजन को हल्का करने के लिए उल्टी करते हैं, ताकि वो आराम से ऊंची उड़ान भर सके। उल्टी शिकारियों को रोकने के लिए एक रक्षा तंत्र के रूप में भी कार्य करती है। अधिकांश गिद्ध खुले स्थानों पर निवास करते हैं। अक्सर वो चट्टानों पर, ऊंचे पेड़ों या जमीन पर समूहों में घूमते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध कभी कभी पेड़ों या फिर चट्टानों पर लकड़ी का मचान जैसे समतल घोंसला बनाते हैं। नए दुनिया के गिद्ध घोंसला नहीं बनाते हैं। गिद्ध का आकाश में आसपास उड़ते हुए एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। नर गिद्ध मादा को आकर्षित करने के लिए अपना उड़ान कौशल दिखाते समय उसके पंखों के किनारे को छूता है। आमतौर पर गिद्ध आजीवन एक ही साथी के साथ रहते हैं। पुरानी दुनिया की अधिकांश बड़े गिद्ध एक बार में केवल एक ही अंडा देते हैं। नई दुनिया के छोटे गिद्ध एक बार में 2 अंडा देते हैं, सेते भी है, जबकि नई दुनिया के बड़े आकार के गिद्ध एक बार में 1 अंडा देते हैं और उसे लगभग 2 महीने तक सेते हैं। अन्य शिकारी पक्षी की तुलना में गिद्ध धीरे धीरे परिपक्व होते हैं।
गिद्ध यानी कि वल्चर एक बच्चे जन्म के बाद 2 से 3 महीने तक घोंसले में रहते हैं और भोजन के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। 3 से 6 महीने की उम्र में गिद्ध के बच्चे उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उस समय उनकी आकार पूर्ण परिपक्व गिद्ध के समान विकसित हो चुका होता है और उनके पूरे पंख भी आ चुके होते हैं। अधिकांश गिद्ध के गले में एक बड़ी तैली होती है जहाँ वो भोजन को स्टोर कर रख सकता है। उष्णवायु गिद्ध की अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में और बिना पंख पटपट लंबे समय तक उड़ने में सहायक होती है। जब एक गिद्ध परेशानी होता है तो उसका सिर लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो शर्मा रहा है। 1990 के दशक के बाद 97 से 99% गिद्ध विलुप्त हुए हैं। इसका प्रमुख कारण पशु दवा डिक्लोफेनाक है जो पशुओं को जोड़ों के दर्द की दवा है। जब कुछ देर पहले इस दवा का सेवन किया हुआ पशु मर जाता है और उसे गिद्ध लेता है तो इसके गुर्दे काम करना बंद कर देता है और वो मर जाता है। इस दवा के दुष्प्रभाव के देखते हुए पशुओं को जोड़ों के दर्द की नई दवा मेलोक्सिक्याम कर ली गई है। गिद्ध गिद्ध की प्रजातियों में से लगभग 16 संक्रमणग्रस्त है। अफ्रीका और भारत में गिद्ध विलुप्त के कगार पर है। भारत में पाए जाने वाले गिद्ध की प्रमुख प्रजातियों में से भारतीय गिद्ध, लंबा चोंच की गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, बंगला की गिद्ध और सफ़ेद गिद्ध है। वर्तमान में भारत में गिद्ध की संख्या सिर्फ 1 लाख रह गई है। धन्यवाद दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए। अब अगला वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में कुछ रोचक बातें को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, लाइक और शेयर करें और यहाँ से सब्सक्राइब करें। टेक केयर।